लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रूम नंबर 9 यही है हवलदार साहब जी। राठौर साहब सो तो नहीं रहे? घबराइए मत राठौर साहब, मुझे अपना दोस्त समझिए। मैं आप जैसे अफसरों की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपको कुछ सच्चाइयों से आगाह करने आया हूं। आपने खामखा इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया, वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, वरना गोली का क्या है, कहीं भी लग सकती है। और वैसे भी साहब इस केस में कुछ रह नहीं गया है, गुनाहगार तो सरहद के उस पार चले गए हैं और यहां आपकी पुलिस बेगुनाहों को परेशान कर रही है। रात होते ही पुलिस वाले इलाके के सारे रेस्टोरेंट और बार बंद करा देते हैं। अब धंधे के टाइम पर धंधा बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा साहब, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वैसे उन लोगों ने कहा है कि उनके लिए 4-5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब चाहें हो जाएगा। और वैसे भी साहब आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, लोग 5-5 हजार के लिए सुपारी उठाने को तैयार हैं। तो मैं उनसे क्या कह दूं साहब? मिस्टर राठौड़, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका पैर अभी प्लास्टर में है, गोली का जख्म भी भरा नहीं है, इंटरनल स्वेलिंग है, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। वो तो अच्छा हुआ कल मैंने आपका प्लास्टर काटा नहीं, वरना पता नहीं आप क्या करते। वैसे डॉक्टर, आप मेरे प्लास्टर कब काटेंगे? देखते हैं, 2-3 दिन के बाद। अब आप आराम कीजिए, वरना मुझे दरवाजे पर बाहर से ताला लगाना पड़ेगा। अच्छा हुआ जल्दी चले गए, अब मैं ताला लगाने वाली हूँ। चलो मुझे कहानी सुनाओ। हाँ तो तुम ढाबे पे पहुंचे, सुल्तान और ठाकुर वहां पे पहुंचे, तुमने उनसे कहा पहचाना मुझे, उनके आदमी ने तुम पर गोली चलाई, ठाकुर भागा, तुम उसके पीछे भागे, अब आगे बताओ। बस आगे मैंने ठाकुर को पकड़ा और हमारी हाथापाई शुरू हो गई। वाओ, फिर? बस मैंने उसको नीचे जमीन पे पकड़ा हुआ था और अचानक उसके आदमी ने मुझे पीछे से हमला किया। फिर उसने मुझे गर्दन से पकड़ के खींचा और ठाकुर छूट गया। ठाकुर छूट गया कैसे? वैसे तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला था, लेकिन क्या मेरा हाथ उसकी जेब पे था, तो जब उसके आदमी ने मुझे गर्दन से खींचा तो ठाकुर की जेब फट गई और मैं। और फिर? फिर क्या हो? अरे आगे भी तो बताओ, हो क्या गया तुम्हें? अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम गाड़ी लाई हो? गाड़ी? हाँ, लेकिन डोंट माइंड। क्यों? एक काम करो, जरा अंदर से मेरे जूते निकालो। ये कहानी के बीच में जूते किस लिए चाहिए तुम्हें? ये लो। ये क्या कर रहे हो? अजय, अजय पागल हो गए हो क्या? पैर संभाल के। हाँ हाँ, देखो मैंने उसे यहाँ कहीं पकड़ा था और मैं ऐसा था, और जब उसके आदमी ने मुझे पीछे से खींचा तो उसकी जेब फट गई और उसकी जेब में से कुछ यहां कहीं गिरा। कहां? ये क्या है? ये तो किसी की जन्म कुंडली लगती है। किसकी? पाला ठाकुर की? हाँ, ये उसी की कुंडली है और बनाने वाले का नाम नीचे लिखा है, सेठ रामबंधु गुप्ता बाहित राजस्थान। राजस्थान? अच्छा,
रेत में नमक नहीं है। पता नहीं है साहब को अचानक क्या हो जाता है। बोले राजस्थान का मैप लेके आओ, फिर से सारे सबूत देखने। ये बज्जू जल्दी कर, जल्दी कर, साहब आ गए, जल्दी करो। साहब आ रहे हैं, आपसे बाद में बात करता हूं। रेगिस्तान का है ना सर? ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये मिर्ची का पता किया? हाँ सर, ये मिर्ची उत्तरी गुजरात और राजस्थान से आती है, और ये बोरी की रेत भी राजस्थान की है, और ये कुंडली भी राजस्थान की है। ये उसी ठाकुर की कुंडली है, अपना बाला ठाकुर जी, जिसे बाहेद में रहने वाले किसी सेठ जी ने बनाई है। ये देखो, बाहेद कहाँ है पता है? राजस्थान में। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक छोटा सा कस्बा। यादव, तुम एक काम करो। यस सर। कदम और बज्जू को लेकर बाहेद जाओ, और पता करो ये कौन सेठ है जिसे राजस्थान में रहकर महाराष्ट्र के ठाकुर की कुंडली बनाने की जरूरत पड़ी। सर कब निकलना है सर? सॉरी सर। सुनो, शाम को गेस्ट हाउस में मिलते हैं, हैं? ठीक है, चलो। पंडित जी, मेरा कुछ भी भला नहीं हो रहा है। पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था क्या? पिछले जन्म में आप पुलिस में थे? पिछले जन्म में हवलदारी था क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो ज्योतिषी रामानंद गुप्ता है ना, वो कह रहा था कि मैं इस जन्म में पुलिस वाला बनूंगा। अरे वो दुष्ट कब से ज्योतिषी बन गया? एक नंबर का धूर्त है वो, धूर्त। उसका असली धंधा तो दो नंबर का है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये सीमा पर जो सामान का आवागमन होता है ना, ये सारा मिर्ची सेठ तो करता है। आपकी लाई हुई मिर्ची और मेरी मिर्ची में कोई फर्क नहीं है साहब, भरोसा कीजिए। है जी, भरोसा कीजिए। पर आप भाव बहुत ज्यादा बोल रहा है ना, वो मिर्ची सेठ तो बहुत सस्ते में दे रहा है। अरे साहब, वो तो आपको फ्री में भी दे सकता है। हाँ? वो तो फ्री में भी दे सकता है। मतलब? मतलब ये साहब, हम तो केवल मिर्ची का धंधा करते हैं। हाँ। और वो मिर्ची के नाम पर सारे गलत धंधे करता है। मावा खाओगे? अरे नहीं भाया, ये तो बच्चों की मिठाई है, हमको चाहिए असली चीज जो यहाँ मिलती नहीं। असली चीज यहाँ हर चीज मिलती है। कहाँ? मिर्ची सेठ का ऑफिस देखा है? मिर्ची से? मिर्ची सेठ कहाँ है? मिर्ची सेठ? नमस्ते, मैं एसीपी राठौड़। एसीपी राठौड़ मुंबई? इतनी दूर से? हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए दूर तक जाना पड़ता है। हाँ हाँ, समझा समझा। इसको जानते हैं आप? ना, कौन है ये? इसको? ना। तो बगैर जाने पहचाने आपने इसकी कुंडली बना दी। देखिए सेठ जी, अगर आपको कुछ कहना है तो यही वक्त है, इसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए श्रीमान, यहाँ बहुत से लोग कुंडली बनवाने आते हैं, आप कहें तो मैं आपकी भी कुंडली बना सकता हूँ। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आप हौलदार हैं या एसीपी। दूसरी बात, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेता, ना। लेकिन जब चाहूं मैं कानून की कुंडली अवश्य बना सकता हूं। सोच लीजिए, वैसे हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो ये लिख लीजिए कि आपकी कुंडली हम बनाएंगे। ये तो शनि की दृष्टि वक्र पड़ गई, ये हुआ कैसे? लगता है हम लोग सही रास्ते पे हैं। तुम लोग यहां से हिलना नहीं। ये सेठ उठते बैठते क्या करता है मुझे पूरी जानकारी चाहिए। राइट सर। मिर्ची सेठ, इतनी रात गए? हुकुम। क्या बात है? हुकुम,
हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें दंड दीजिए, किंतु ऐसा खेल तो मत खेलिए हमारे साथ। क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो मिर्ची? साफ साफ बोलो ना, बात क्या है? आज मुंबई से एक आदमी आया हमारे यहाँ, हमें गिरफ्तार करने की धमकी दी। पता लगा है कि इस समय वो आपका मेहमान है। अब इसे क्या समझे हो तुम? अजय की बात कर रहे हो? अजय नहीं हुकुम, एसीपी अजय सिंह राठौड़ कहिए, और इसी के कारण हमारा सारा माल पकड़ा गया। आओ मेरे साथ। यही है वो इसके बारे में तुम कह रहे हो? हाँ हुकुम। आप कहें तो इसी समय इसे काट कर रेगिस्तान में गाड़ देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मिर्ची, ये हमारा दोस्त है। दोस्त को मारना गद्दारी है, और एसीपी को मारना बहुत बड़ा जुर्म। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मुल्क में कानून के गुनहगार नहीं बनना चाहते। ये किस्सा हमारी दोस्ती से शुरू हुआ था, हम इसे खत्म भी अपनी दोस्ती से ही करेंगे। तुम बेफिक्र रहो, हम इसे संभाल लेंगे। अरे ये तो राठौड़ है। सुन, सबको बोल यहां से जल्दी से निकल जाए, समझा? मैं यहां से निकलता हूं। रुक, गाड़ी रोक, जल्दी कर, जल्दी से फुट लो, पुलिस का रेड है। चल। अबे पुलिस की रेड है, शिवा को बोल भाग। शिवा भाई, पुलिस की रेड पड़ी है। ऊपर से चलते हैं। कोई बात नहीं सर, ठिकाना तो पता चल गया ना। सलीम, एक काम करो, ये बिल्डिंग सील कर दो और सारा माल जब्त कर लो। रिमांड रूम ले चलो सालों को। बोल बोल जो पता, सच सच बोल बोल। क्या सलीम, कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो कल ही मुल्क था। बोलना बे, मेरा एक्टर है, उसमें खाली इलेक्ट्रिक का दुकान है साहब, अपन काम धंधे वाला आदमी है साहब, लफड़े से अपन दूर रहता है। तो मतलब तुम लोग कुछ नहीं मानो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है सलीम, खत्म कर दो सबको साहब, उड़ा दो और बोल दो कि एनकाउंटर में मारे गए।
नहीं साहब, एक मिनट। तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश है तंदूरी चिकन, दारू, मटन बिरयानी, कबाब, कोफ्ता, कुछ खाना है? सलीम जी, जो चाहिए दे देना। साहब एक मिनट, साहब एक साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब, भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। ए चुप, तुम लोगों के लिए ये आखिरी मौका है, जो बोलना है बोल दो। साहब हम गरीब आदमी हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया, कसम से हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हम क्या, हम बेगुनाह हैं साहब, हम बेगुनाह हैं साहब। कुछ असर नहीं है साहब, अभी भी मुंह नहीं खोला। एक काम करो सलीम, सचमुच गोली मार दो। क्या कह रहे हैं साहब? लेकिन गोली लगनी नहीं चाहिए, कान के 2 इंच दूर से जानी चाहिए। ओके सर। ए रोता काय को, अभी भी वक्त है, बता दे। मत मारो साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मत मारो साहब, से नहीं साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब, साहब। मैं बोलता हूँ साहब। बाकी सबको बाहर ले जाओ। यस सर, चल रे, चल। चल बोल। मैं बताता साहब, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान भाग गया साहब। अभी इधर कौन सा माल रहा है? हाजी सेट। कौन हाजी? विक्टोरिया हाउस में उसके हाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी है। अभी माल कब आने वाला है? मेरे को बिल्कुल पता नहीं सर, अभी कुछ दिन पहले हाजी सेट राजस्थान जा के आया साहब। अरे ले जाओ उसको। सलीम। यस सर। बाहिद फोन करके यादव से बोलो कि राजस्थान से इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए जी, और पता करो ये हाजी कौन है। हाँ जी। और नजर रखो उस पे दिन रात 24 घंटा, लेकिन जब तक मैं कहूं नहीं उसको अरेस्ट मत करना। ओके सर। हुकुम। बोलो मिर्ची। हुकुम, आपने कहा था कि आप अपने दोस्त को संभाल लेंगे, किंतु वो तो हाजी तक पहुंच गया। हुकुम, उसने विक्टोरिया हाउस पर रेड कर दी। हाजी बहुत परेशान है हुकुम, वो कहता है कि इंस्पेक्टर सलीम को साथ मिला लेगा और आपके दोस्त को उड़ा देगा। नहीं मिर्ची, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। अजय को मारने में हमारा ही नुकसान है। फिर क्या करे हुकुम? फिलहाल ऐसा करो, दोबारा उसकी टांग तोड़कर उसे अस्पताल पहुंचा दो। ठीक है हुकुम। जब तक वो ठीक होगा हमारा माल वीरेन तक पहुंच चुका होगा। अच्छा हुकुम। फिर मैं जल्दी से उसे इस केस से हटवा दूंगा। और सुनो, हाजी से याद से कहना सिर्फ उसकी टांग तोड़े, सिर्फ टांग, समझ गए? हुकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम सलीमिया। वालेकुम सलाम, कहिए। क्या कहें सलीमिया, ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि अपना एक मुसलमान भाई एक काफिर का साथ दे रहा है हम लोगों के खिलाफ। मुसलमान, मुसलमान का मतलब समझते हैं आप? जी हाँ, इस्लाम को मानने वाला। सिर्फ यही नहीं, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, यानी जिसका ईमान हर हाल में पूरे का पूरा कायम है, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है और शबनम की तरह पाक है। कहिए, है आपके पास ऐसा ईमान? बात करते हैं मुसलमान की। देखो सलीम मियां, आप बात को खामा खां उलझा रहे हो। हमारा तो उसूल है कि जियो और जीने दो। यही बात हमने आपके एस ए पी राठौर साहब को भी समझाने की कोशिश की थी। 5 लाख तक देने को तैयार थे हम। तो आप एसीपी राठौर को 5 लाख रुपए में खरीदेंगे? फिर तो आपने मुल्क की कीमत भी लगा ली होगी। कितने में बेच रहे हैं आप अपने मुल्क को? देखो सलीम मियां, हम धंधा करते हैं और धंधे में हमारा उसूल है कि किसी का हक नहीं मारते, और खास तौर से अपनों का तो बिल्कुल नहीं। देखो आप और मैं, हम मजहब हैं, आपस का मसला है आपस में ही सुलझा लेते हैं। ठहरो,
मुझे तुम अपने साथ बिल्कुल मत मिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम मुल्क फरोशो गद्दार हो तुम। अरे तुम जैसे चंद मुसलमानों की वजह से कुछ लोगों को पूरी कौम को बदनाम करने का मौका मिलता है। करते तुम लोगों भुगतना पूरी कौम को पड़ता। देखो सलीम मियां, भाषण मत दो, एक ना एक दिन तुम्हें अकल जरूर आ जाएगी, समझे? और वो तुम्हारे एसीपी राठौड़ को अब तक आ चुकी होगी। क्या मतलब? जाओ, जाकर उसे संभालो। अगर राठौड़ साहब को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। डोंट माइंड, कैसे करती हूँ मैं ड्राइव? बिल्कुल सही सलामत पहुंचे हो घर। थैंक यू, मुझको तो सही सलामत पहुंचा दिया, लेकिन उनका क्या जो रास्ते पर घायल पड़े। अजय! ए, चुपचाप खड़ी रह क्या? अरे उसे बचाओ, मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो मेरे बेटे को, उसे बचाओ, कोई उसे बचाओ, मत मारो उसे। हट, ए पकड़। अरे तो तुम पुलिस को फोन करो, रुको, तुम लोग नीचे मत आना, मैं देखता हूँ। क्यों मार रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उसे। अरे बचाओ, क्यों नहीं निकले यहाँ से? पुलिस आ गई। सर, अजय, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? सलीम उनको पकड़ो, पकड़ो सलीम उनको। क्या कर रहे हो अजय? अजय नहीं, नहीं अजय, अजय रुको, रुको अजय, अजय रुक जाओ। भागे सर, सलीम तुझे निकालो। मैं जाने दीजिए इन्हें। सर मैंने कभी भी गिरफ्तार कर सकता हूँ। यादव वाइटल इन्फॉर्मेशन लेकर आया सर, उसके पास पूरी खबर है। अजय मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट, मैं ठीक हूँ। जाने दीजिए सर, मेरी बात सुनिए, ये केस हमारे हाथ में है। हाँ सर,